हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में पराकड़ का चित्र तथा उसके परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके थे, और अब आज जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वह है स्त्री केसर गुरु बीजाण व भ्रूणकोष। स्त्री केसर गुरु बीजाण व भ्रूणकोष, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोगों का पहला हेडिंग है वह है स्त्री केसर। तो जो हम लोगों का पहला हेडिंग है वह है स्त्री केसर। तो आइए स्त्री केसर के बारे में जानते हैं। पुष्प के जायांग का वह भाग, पुष्प के जायांग का वह भाग जो परिपक्व होने के बाद बीज का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर पुष्प के जायांग का वह भाग जो परिपक्व होने के पश्चात बीज का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। पुष्प के जायांग का वह भाग जो परिपक्व होने के पश्चात पुष्प के जायांग का वह भाग जो परिपक्व होने के पश्चात जो परिपक्व होने के पश्चात बीज का निर्माण करता है, तो उसे स्त्री केसर कहते हैं। तो उसे स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर पुष्प के जायांग का वह भाग जो परिपक्व होने के पश्चात बीज का निर्माण करता है, तो उसे स्त्री केसर कहते हैं। तो गाइज, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला जो भाग है इसका वह है वर्तिका। दूसरा भाग है जो वर्तिकाग्र। जो तीसरा भाग है वह है अंडाशय। गाइस, जो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, पहला वर्तिका, दूसरा वर्तिकाग्र, तीसरा अंडाशय। आइए अब हम इसको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हैं। तो पहला जो हम लोगों का हेडिंग है, पहला है वर्तिका। आइए हम इसे चित्र बनाकर चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। गाइस, यह जो हम लोगों का है यह है यह जो हम लोगों का है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र।
और इस भाग को बोलते हैं वर्तिका, और इस भाग को बोलते हैं अंडाशय। गाइस ये स्त्री केसर के भाग है, पहला वर्तिका, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग पहला हम लोगों का जो हेडिंग है वर्तिका, वर्तिका के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्तिका, वर्तिका पुष्प का वह भाग होता है, वर्तिका पुष्प का वह भाग होता है जो वर्तिकाग्र तथा अंडाशय को जोड़े रहता है। वर्तिका पुष्प का वह भाग होता है जो वर्तिकाग्र तथा अंडाशय को जोड़े रहता है तथा इस संरचना एक धागे जैसी पतली संरचना की होती है। इसका आकार धागे जैसी पतली संरचना के आकार का होता है तथा इसका कार्य यह निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों का संवहन करता है। यह जो वर्तिका होता है यह निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों का संवहन करता है तथा यह गर्भाशय में तथा यह अंडाशय में तथा यह अंडाशय के गर्भी गुहा से जुड़ा रहता है। यह अंडाशय के गर्भी गुहा में उपस्थित अंडक के तंतुओं से जुड़ा रहता है। यह अंडाशय के गर्भी गुहा में उपस्थित अंडक के तंतुओं से जुड़ा रहता है। इसकी संरचना धागेनुमा जैसी होती है। आइए लिखते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र व अंडाशय को, अंडाशय को जोड़ने वाली धागे जैसी पतली संरचना होती है। जो निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों का संवहन करती है। वर्तिका, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय को जोड़ने वाली धागे जैसी पतली संरचना होती है जो निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों का संवहन करती है तथा यह अंडाशय के गर्भी गुहा में उपस्थित अंडक के तंतुओं से जुड़ा रहता है। फिर इसके बाद जो हम लोगों का दूसरा टॉपिक है वह है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र वर्तिका के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है जहां पर नर युग्मक आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं तो उसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र वर्तिका के ऊपर का वह भाग होता है जहां पर नर युग्मक आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं तो उसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। तो आइए लिखते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका के ऊपर का वह भाग होता है जो निषेचन की क्रिया को या जिस पर नर युग्मक आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के ऊपर स्थित वह भाग होता है जहां पर नर युग्मक आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं तो उसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है अंडाशय।
अंडाशय, अंडाशय जो होता है वह वर्तिका के सबसे निचले भाग में स्थित फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय वर्तिका के सबसे निचले भाग में स्थित होता है तथा यह फूला हुआ होता है। इसमें छोटे छोटे अंडा पाए जाते हैं तथा इसमें बीजांड होता है जो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करता है। अंडाशय में एक या एक से अधिक अंडा हो सकते हैं। अंडाशय वर्तिका के नीचे एक फूला हुआ भाग होता है जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में छोटे छोटे अंडप होते हैं तथा इसमें गर्भी गुहा होता है तथा इसमें बीजांड होता है, बीजांड जिसमें बीज का निर्माण होता है। आइए हम लोग इसे लिखकर समझते हैं। अंडाशय वर्तिका का सबसे निचला भाग होता है जिसमें बीजांड पाया जाता है। तथा इसी बीजांड में निषेचन की क्रिया के बाद बीज का निर्माण होता है। अंडाशय वर्तिका का सबसे निचला भाग होता है जिसमें बीजांड पाया जाता है तथा इसी बीजांड में निषेचन की क्रिया के पश्चात बीज का निर्माण होता है। तथा अंडाशय में छोटे छोटे अंडा पाए जाते हैं तथा अंडाशय में गर्भी गुहा पाया जाता है। तो हम इतना लिखेंगे नहीं, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो अंडाशय होता है वर्तिका का सबसे निचला भाग होता है तथा जिसमें बीजांड पाया जाता है तथा बीजांड में निषेचन की क्रिया के बाद बीज का निर्माण होता है तथा इसमें गर्भी गुहा पाया जाता है तथा इसमें छोटे छोटे अंडा होते हैं। तो निषेचन में एक या एक से अधिक अंडा हो सकते हैं जिन्हें हम युक्तांडपी या युक्तांडपी बोलते हैं। आइए हम इन्हें चित्र के माध्यम से समझ, जो हम लोगों का अंडाशय है, अंडाशय में एक या एक से अधिक अंडप हो सकते हैं जिन्हें हम एक अंडपी या बहुअंडपी या द्विअंडपी बोल सकते हैं। एक एनसीईआरटी में हम लोगों का चित्र है, आइए उस चित्र को बनाकर हम लोग समझते हैं। एक ये हम लोगों का चित्र है जो एनसीईआरटी के बुक में है। इसमें यहाँ पे अंडप है, इसे हम लोग युक्तांडपी बोलेंगे, युक्तांडपी। युक्तांडपी वह अंडप होते हैं, युक्तांडपी, जिसमें अंडप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम लोग युक्तांडपी बोलते हैं। जैसे ये हम लोगों का एक अंडाशय हो गया, फिर इसी से ही सटा हुआ दूसरा अंडाशय होता है, फिर इसी से ही सटा हुआ तीसरा अंडाशय होता है, तो इसे हम लोग युक्तांडपी बोलते हैं। और एक चित्र है जिसे इसे बहुअंडपी युक्तांडपी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अंडप हैं तथा वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे युक्तांडपी बोलते हैं। तथा जो दूसरा फिगर है वह है बहुअंडपी युक्तांड।
यह जो हम लोगों का है यह बहुअंडपी युक्ता वियुक्ता अंडपी है। इसमें बहुत ये जो अंडप है इसमें बहुत अंडप है, यह इसमें बहुत अंडप है लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इसमें ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए इन्हें हम लोग बहुअंडपी वियुक्ता अंडपी बोलते हैं। ये सब अंडाशय के ही भाग होते हैं। इनमें यह जो अंडाशय की संरचना होती है यह अलग अलग होती है, इसमें यह जुड़ी हुई नहीं होती है, इसमें बहुअंडपी युक्ता अंडपी में जो अंडाशय होते हैं वह एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इसलिए इसे हम लोग बहुअंडपी युक्ता अंडपी बोलते हैं। तथा इसमें जो अंडप होते हैं जो अंडाशय होते हैं यह अलग अलग होते हैं, इसलिए हम लोग इसे बहुअंडपी वियुक्ता अंडपी बोलते हैं। तो यह अंडाशय से हो गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है गुरु बीजाणु या बीजाणु। आइए अब हम लोग उसकी संरचना बनाकर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो अब हम लोगों का अगला टॉपिक है वह है गुरु बीजाणु या बीजाणु। गुरु बीजाणु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेगा स्पोर। जो है हम लोगों का अब जो स्ट्रक्चर चल रहा है वह गुरु बीजाणु है। गुरु बीजाणु या हम लोग इसे बीजांड भी बोलते हैं। बीजांड गुरु बीजांड की अंग्रेजी होती है मेगा स्पोर। तो आइए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के अध्ययन करते हैं। यह इसका हो गया बाह्य आवरण, जिसको हम लोग एग्जाइन बोलते हैं। यह है अंतः आवरण, इसको हम लोग इन टाइम बोलते हैं। तथा यह भाग जो है इसे हम लोग बीजांड काय बोलते हैं। बीजांड काय जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर जो हम लोगों का नेक्स्ट है यह है कैलोजन सिरा। कैलोजन सिरा या निभागी सिरा। या निभागी सिरा इसका इंग्लिश होता है कैलोजन एंड। फिर इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट है यह है हाइलम। यह है हाइलम। हाइलम को हम लोग बोलते हैं नाभिका। इसका हिंदी होता है नाभिका तथा इसका अंग्रेजी होता है हाइलम। तथा जो हम लोगों का अगला है वह है फनिकल। फनिकल को हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत। फनिकल बाह्य आवरण अंत आवरण बीजांड का है कैलोजन सिरा। इसके पश्चात हम लोगों का यह है भ्रूण कोष।
भ्रूण कोष, भ्रूण कोष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वायव्यू, वायव्यू भ्रूण कोष को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में वायव्यू। तो यह है हम लोगों का इसका है स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद यहाँ पे एक है बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी, बीजांड द्वारी सिरा तथा यही पे है बीजांड द्वार, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल, और इसको बोलते हैं माइक्रोफाइल इंड। यह है माइक्रोफाइल और इसे बोलते हैं माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइलर इंड। तो इसके हमें टोटली 9 पार्ट मिले हैं जो है बीजांड। बीजांड के 9 पार्ट होते हैं, पहला पहला बाह्य आवरण, अंत आवरण, बीजांड का है कैलोजन सीरा, इसके बाद भ्रूण कोष, नाभिका जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइलब, इसका बीजांड वृत्त जिसे हम लोग बोलते हैं फरिकल, इसके बाद आता है बीजांड द्वार जिसे हम बोलते हैं माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल। और इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो, माइक्रोफाइल इंड, इसे बोलते हैं बीजांड द्वारी सिरा माइक्रोफाइलर इंड, माइक्रोफाइलर इंड, इसको बोलते हैं माइक्रोफाइलर इंड, इसको बोलते हैं माइक्रोफाइल। तो टोटली हम लोगों को इसका 9 भाग मिला है। तो आइए अब हम लोग इसका टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करते हैं। तो जो हम लोगों का पहला हेडिंग है वह है बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। जो दूसरा है वह है अंत आवरण, जो तीसरा पार्ट है यह है बीजांड काय, और यह जो चौथा भाग है यह है निभागी सिरा। निभागी सिरा और जो पांचवा भाग है वह है बीजांड द्वार। अब जो छठवां भाग है वह है बीजांड द्वारी सिरा। अब जो सातवां भाग है वह है भ्रूण कोष। और जो आठवां भाग है वह है हम लोगों का नाभिका। और जो नवा पाठ है हम लोगों का वह है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत। तो अब हम लोग इसी को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं बाह्य आवरण। पहला हेडिंग है बाह्य आवरण। बाह्य आवरण बीजांड का सबसे बाहरी भाग होता है जो बीजांड की रक्षा करता है। बाह्य आवरण बीजांड का सबसे बाहरी भाग होता है जो बीजांड की रक्षा करता है तथा बीजांड में निषेचन की क्रिया के पश्चात जब बीज का निर्माण हो जाता है तब यह अपने रंग को परिवर्तित कर लेता है। जो बाह्य आवरण होता है यह बीजांड का रक्षा करता है। रक्षा किससे करता है? बाह्य कारकों से बीजांड की रक्षा करता है तथा जब निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण हो जाता है तब यह अपने रंग को परिवर्तित कर लेता है। हम लोग इतना लिखेंगे बाह्य आवरण के बारे में। बाह्य आवरण बीजांड का सबसे
बाह्य आवरण बीजांड का सबसे बाहरी भाग होता है। जो बाह्य कारकों से बीजांड की रक्षा करता है। बाह्य आवरण बीजांड का सबसे बाहरी भाग होता है जो बाह्य कारकों से बीजांड की रक्षा करता है। अब जो हम लोगों का दूसरा है वह है अंतः आवरण। बाह्य आवरण बीजांड का सबसे बाहरी भाग होता है जो बाह्य कारणों से बीजांड की रक्षा करता है तथा यह निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात जब बीज परिपक्व हो जाता है तब यह अपने रंग को परिवर्तित कर लेता है। अब जो हम लोगों का दूसरा है वह है अंतः आवरण बीजांड के जो अंत आवरण पाया जाता है या बीजांड के बाह्य आवरण के आंतरिक भाग में स्थित होता है। अंत आवरण बीजांड के बाह्य आवरण के आंतरिक भाग में स्थित होता है। जो अंतः आवरण होता है अंतः आवरण बीजांड के बाह्य आवरण के आंतरिक भाग में स्थित होता है तथा इसमें विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं तथा इसमें विशेष प्रकार के ऊतक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू पाए जाते हैं। जो अंतः आवरण होता है अंतः आवरण बीजांड के बाह्य आवरण के आंतरिक भाग में स्थित होता है तथा इसमें विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो जो अब हम लोगों का तीसरा है वह है बीजांड काय बीजांड काय बाह्य आवरण व अंतः आवरण से निर्मित वह परत होती है। बीजांड काय बाह्य आवरण व अंतः आवरण से निर्मित एक परत होती है और बीजांड काय भ्रूण के चारों तरफ स्थित वह परत होती है जिसे हम लोग बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय भ्रूण के चारों तरफ स्थित परत को बीजांड काय कहते हैं। यह बाह्य आवरण व अंतः आवरण से मिलकर बना होता है। जब किसी बीजांड में निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो जो हम लोग खाते हैं यह गुच्छेदार फल जो हम लोग खाते हैं तो यह उसी का निर्माण करता है। यह जो बीजांड काय है जब बीज परिपक्व हो जाता है तो यह बीजांड काय फल का निर्माण करता है। यह बाह्य आवरण व अंत आवरण से मिलकर बना होता है तथा यह प्रत्येक भ्रूण के चारों तरफ का स्थित वह भाग होता है जिस जो फल के परिपक्व होने पर खाने योग्य होता है तो उसे हम लोग बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय भ्रूण के चारों तरफ का भाग होता है जो बाह्य आवरण वह अंत आवरण से मिलकर बना होता है। जो बाह्य आवरण व
अंत आवरण से मिलकर जो बाह्य आवरण वह अंत आवरण से मिलकर बना होता है, जो बाह्य आवरण वह अंत आवरण से मिलकर बना होता है तथा बीज के परिपक्व होने पर यह फल का निर्माण करता है। बीज के परिपक्व होने पर यह फल का निर्माण करता है। बीजांडकाय भ्रूण के चारों तरफ का वह भाग होता है जो बाह्य आवरण व अंत आवरण से मिलकर बना होता है तथा बीज के परिपक्व होने के पश्चात यह फल का निर्माण करता है। जो हम लोग खाते हैं वह फल का निर्माण, क्वेश्चन पूछता है फल का निर्माण कहाँ से होता है, तो फल का निर्माण बीजांडकाय में स्थित फल का निर्माण बीजांड के बीजांडकाय से होता है। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसे तो मिटाना पड़ेगा। जो हम लोगों का नेक्स्ट है वह है निभागी सिरा। हम यहां पे ये चित्र बना दे रहे हैं समझने के लिए। इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य आवरण, इसे हम लोग बोलते हैं अंत आवरण, इसे बोलते हैं बीजांडकाय, इसे बोलते हैं निभागी सिरा, इसे बोलते हैं बीजांड द्वारी सिरा, इसे बोलते हैं बीजांड द्वार, तथा इसे बोलते हैं हाइलम, इसे बोलते हैं फनिकल। हाइलम फनिकल, फनिकल को हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत। तो अब हम जो हम लोगों का जो चौथा है वह है निभागी सिरा। निभागी सिरा बीजांड का वह भाग होता है जो उसके सबसे निचली सतह पर पाया जाता है। तथा निभागी सिरा का आकार बीजांड की आकृति के आधार पर निर्भर करता है। तो आइए लिखते हैं निभागी सिरा बीजांड का वह भाग होता है
जो उसके सबसे निचले भाग में पाया जाता है तथा इसकी संरचना पीजांड की आकृति पर निर्भर करता है। अगर बीजांड का आकृति बड़ा होगा तो निभागी सिरा का आकार भी बड़ा होगा, अगर बीजांड का आकार छोटा होगा तो निभागी सिरा का आकार भी छोटा होगा। तो अब हम लोगों का जो पांचवा है वह है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार सीधा व फनिकल या बीजांड वृंत के मध्य का एक भाग होता है, जहाँ पर निषेचन की क्रिया के लिए परागनलिका आती है। तो उसे हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वारे सीधा हुआ बीजांड वृंत वह बीजांड वृंत का मध्य भाग होता है। तथा यहीं से निषेचन के लिए परागनलिका प्रवेश करती है। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट है वह है बीजांड द्वारी सिरा। बीजांड द्वारी सिरा बीजांड का वह भाग होता है जहां से बीज अंकुरित होकर निकलता है। तो उसे हम लोग बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। वह सिरा जहाँ से बीज अंकुरित होकर निकलता है उसे बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। और हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है भ्रूण कोष। तो भ्रूण कोष का अभी हम लोग विस्तार से लेंगे, भ्रूण कोष का हम लोग अलग से एक लेंगे लेक्चर। तो भ्रूण कोष का भी छोड़ देते हैं, इसके आगे का जो है वो हम लोग अध्ययन करते हैं। आठवां है नाभिका। नाभिका को हम लोग बोलते हैं हाइलम। नाभिका
नाभिका फनिकल व बीजांड के मध्य का आवरण होता है। नाभिका नाभिका जो हाइलम होता है यह फनिकल व बीजांड के मध्य का आवरण होता है। हाइलम या नाभिका फनिकल नाभिका बीजांड वृंथ व बीजांड वृंथ व बीजांड काय के मध्य का भाग होता है। मध्य का भाग होता है जो फनिकल को नाभिका बीजांड वृंत व बीजांड काय के मध्य का भाग होता है। जो फनिकल को हाइलम के जो फनिकल को अंडक के तंतुओं से जोड़े रहता है। जो फनिकल को अंडक के तंतुओं से जोड़े रहता है जो फनिकल को अंडक के तंतुओं से जोड़े रहता है जो फनिकल को अंडक के तंतुओं से जोड़े रहता है तथा बीज के परिपक्व होने पर उसे अलग कर देता है तथा बीज के परिपक्व होने पर उसे मुक्त कर देता है उसे मुक्त कर देता है। नाभिका नाभिका बीजांड वृंत व बीजांड काय के मध्य का वह भाग होता है जो फनिकल को अंडक के तंतुओं से जोड़े रहता है तथा बीज के परिपक्व होने पर फनिकल को अंडक के तंतुओं से मुक्त कर देता है। जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वह है बीजांड वृंत जो बीजांड वृंत होता है यह बीजांड वृंत जो होता है यह बीजांड के बीज के परिपक्व होने के पश्चात उसके आवरण पर लगा होता है। बीजांड वृंत जो होता है यह बीज का जब बीज परिपक्व हो जाता है तो उसमें आवरण के रूप में लगा होता है जो बीज को पोषण प्रदान करता है। फनिकल या इसको बीजांड वृंत बोलते हैं। बीजांड वृंत बीज के परिपक्व होने के पश्चात बीजांड वृंत बीज के परिपक्व होने के पश्चात उससे लगा रहता है उससे लगा रहता है बीजांड वृंत बीज के परिपक्व होने के पश्चात उससे लगा रहता है। आइए अब हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पूरा 9 पार्ट है। अभी हम लोगों ने भ्रूण कोष को नहीं पढ़ा, अभी मैं भ्रूण कोष को अलग से उसे पढ़ाऊंगा। तो जो हम लोगों का पहला है बाह्य आवरण। बाह्य आवरण बीजांड का सबसे बाहरी भाग होता है जो बाह्य कारकों से बीजांड की रक्षा करता है तथा बीज के परिपक्व होने के पश्चात अपने रंग को परिवर्तित कर लेता है। जो हम लोगों का दूसरा है वह है अंतः आवरण। अंतः आवरण होता है या बाह्य आवरण व बीजांड काय के मध्य का परत होता है तथा इसमें विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जो हम लोगों का तीसरा है बीजांडकाय। बीजांडकाय भ्रूण के चारों तरफ का वह भाग होता है जो बाह्य आवरण व अंत आवरण से मिलकर बना होता है तथा बीज के परिपक्व होने के पश्चात फल का निर्माण करता है तो उसे हम लोग बीजांडकाय कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों का जो चौथा है निभागी सिरा। निभागी सिरा यहाँ पे है जो बीजांड का वह भाग होता है जो उसके सबसे निचले भाग में पाया जाता है तथा निभागी सिरा का आकार बीजांड के आकार पर निर्भर करता है। अगर बीजांड का आकार बड़ा है तो निभागी सिरा का आकार बड़ा होगा, अगर बीजांड का आकार छोटा है तो निभागी सिरा का आकार छोटा
पता होगा। फिर इसके बाद हम लोगों का जो है पांचवा बीजांड द्वार, बीजांड द्वार बीजांड द्वारी सिरा व बीजांड वृंत के मध्य का भाग होता है। यह जो बीजांड द्वार है यह बीजांड द्वारी सिरा व बीजांड वृंत के मध्य का भाग होता है, जहां से पराग नलिका निषेचन के लिए बीजांड के पास आता है, जहां से पराग नलिका निषेचन के लिए बीजांड के पास आता है। फिर इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट है बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड का वह सिरा जहां से बीज अंकुरित होकर निकलता है उसे बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। बीजांड का वह भाग जहां से बीज अंकुरित होने के लिए निकलता है उसे हम लोग बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट है नाभिका, नाभिका बीजांड वृंत के बीजांडकाय के मध्य भाग का वह भाग होता है जो फनिकल को अंडक के तंतुओं से जोड़े रहता है तथा बीज के परिपक्व होने पर उसे मुक्त कर देता है। फिर इसके बाद हम लोगों का अंतिम पॉइंट है बीजांड वृत्त बीज के परिपक्व होने के पश्चात उसे लगा रहता है, बीजांड वृत्त बीज के परिपक्व होने के पश्चात उसे लगा रहता है, जिसे हम लोग फली बोलते हैं। फिर इसके बाद अब हम लोगों का जो है भ्रूणकोष, अब आइए हम लोग इसे अलग से पढ़ेंगे। भ्रूणकोष, अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणकोष। भ्रूणकोष बीजांड काय का आंतरिक भाग होता है, ये हम लोग बीजांड काय बना लेंगे। अब बीजांड काय में हम लोग भ्रूणकोष को लेकर आते हैं, तो बीजांड काय में भ्रूणकोष होता है या इसका अधिकांश भाग घेरे हुए होता है, यह है बीजांडकाय और यह है भ्रूणकोष। जो बीजांडकाय में उपस्थित भ्रूणकोष होता है यह बीजांडकाय के अधिकांश भाग को घेरता है। फिर इसके पश्चात इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक में समसूत्री अर्धविभाजन होता है, केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है जिसके पश्चात यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। यह हमारा है बीजांडकाय या है बीजांड काय। यह है हमारा भ्रूणकोष। तो अब यह भ्रूणकोष का जो यह एक केंद्रक है यह समसूत्री विभाजन के दौरान यह दो भागों में बट जाता है, तथा यह दो भागों में बट गया तो यह इस तरफ जाएगा और यह इस तरफ जाएगा। इसके जो दो भाग हैं एक निभागी सिरा की तरफ जाएगा, एक बीजांडद्वारी सिरा की तरफ जाएगा। तो ये दोनों अब निभागी सिरा व बीजांडद्वारी सिरा की तरफ गए। तो जो अगला हम लोगों का डायग्राम है यह है हम लोगों का बीजांडकाय। फिर इसके पश्चात यह जो इसका दोनों भाग है, दोनों केंद्रक एक इस कोने पर चलाया, एक इस कोने पर चलाया। ये जो दोनों जो केंद्रक हैं ये इस कोने पर चले आए, इस कोने पर। फिर इस कोने पर आने के बाद ये लोग दो बार समसूत्री विभाजन करके यहाँ पर चार कोशिका का निर्माण करेंगे तथा यहाँ पर चार कोशिका का निर्माण करेंगे। ये दो बार समसूत्री विभाजन करेंगे तथा विभाजित करके ये चार चार कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो फिर जो हम लोगों का अगला स्ट्रक्चर है यह है बीजांडकाय। और यह यहां पर यह चार
कोशिका का निर्माण कर लिया, यहाँ पर यह भी चार कोशिका का निर्माण कर लिया। अब इसके पश्चात इसमें वैसे जो एक कोशिका है वह इस बीजाणु में मध्य की तरफ गति करेगा या भी मध्य की तरफ गति करेगा। इसमें से जो यह चार कोशिका है, चार कोशिका में से एक कोशिका मध्य की तरफ गति करेगा तथा इसमें से भी एक कोशिका मध्य की तरफ गति करेगा तथा गति करने के पश्चात यह दोनों एक स्थान पर मिल जाते हैं। यह बीजाणु का है, फिर इसके पश्चात ये दोनों एक स्थान पर मिल गए तथा यहाँ पर बचा तीन, यहाँ पर भी बचा तीन, ये दोनों मिलकर द्वितीय कोशिका का निर्माण कर देते हैं। द्वितीय कोशिका जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेल, द्वितीय कोशिका। जिसे हम लोग द्वितीय कोशिका कहते हैं, यह द्वितीय कोशिका यहाँ से जो चार थे वहाँ यहाँ से एक आया और एक यहाँ से आकर ये बीच में मिलकर सेकेंडरी सेल का निर्माण कर दिए। फिर इसके पश्चात यहाँ पर एक अंड कोशिका है, अंड कोशिका अपने चारों तरफ सहायक कोशिका का निर्माण कर दिए। इसके पश्चात ये जो तीन है इन्हें हम लोग प्रतिध्रुवी कोशिकाएँ कहते हैं, प्रतिध्रुवी कोशिका कहते हैं, इन्हें हम लोग प्रतिध्रुवी कोशिका कहते हैं, इसे हम लोग प्रतिध्रुवी कोशिका कहते हैं तथा इसके पश्चात यहाँ पर एक अंड कोशिका अपने चारों तरफ सहायक कोशिका का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से यह इसका स्ट्रक्चर होता है भ्रूण कोश का। अब इसमें जो प्रतिध्रुवी कोशिका होता है इसका कोई कार्य नहीं होता है तथा जो सहायक कोशिका होती है उसका कार्य होता है। सहायक कोशिका जो होती हैं सहायक कोशिका जब निषेचन के लिए पराग नलिका जो आगे बढ़ती है तो यह पराग नलिका के मार्ग को आगे की तरफ बढ़ाती है तथा बीजाणु की तरफ लेकर आती है। तो यह कह सकते हैं कि यह पराग नलिका के मार्ग का मार्गदर्शन करती है, पराग नलिका का मार्गदर्शन करती है तथा उसे बीजाणु तक लेकर आती है। और इसमें प्रतिध्रुवी कोशिका का कोई कार्य नहीं होता है तथा इसमें सहायक कोशिका का कार्य होता है, यह पराग नलिका का मार्गदर्शन करती है। इसके पश्चात आइए हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, यह हम लोगों का बीजाणुकाय, बीजाणुकाय में सक्रिय भ्रूणकोश बीजाणुकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है तथा उसका केंद्रक में समसूत्री विभाजन के दौरान उसका केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है तथा इसमें से एक केंद्रक निभागी सिरा की तरफ जाता है तथा दूसरा केंद्रक बीजाणु द्वारा सिरा की तरफ जाता है तथा ये वहाँ पर जाने के बाद वहीं पर रह लेते हैं। इसके पश्चात वहाँ पर रहने के पश्चात ये दो बार समसूत्री विभाजन करके चार कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। फिर इनमें से एक कोशिकाएँ उसके मध्य की तरफ तथा इसमें से एक कोशिका उसके मध्य की तरफ जा करके सेकेंडरी सेल का निर्माण कर लेती है तथा यहाँ पर जो तीन कोशिकाएँ बचती है इसे हम लोग प्रतिध्रुवी कोशिका कहते हैं तथा इसके पश्चात यहाँ पर एक अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक सेल। यह अंड कोशिका अपने चारों तरफ सहायक कोशिका का आकार ऐसे होता है, यह सहायक कोशिका का निर्माण कर लेती है तथा सहायक कोशिका का कार्य जब निषेचन के लिए पराग नली आती है तो यह पराग नली के मार्ग को मार्गदर्शन करती है, पराग नली को बीजाणु तक लेकर आती है। यह होता है इसका कार्य सहायक कोशिका का, या हम लोगों का भ्रूणकोश का कार्य है भ्रूणकोश, इस प्रकार से इसका फिगर होता है। तथा अब हम लोग क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।